यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर कहीं बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से यात्रा करते हैं, उसका एक टाइम रहता है, टाइम से पहले पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति टाइम पर रेडी ना होए और वहां पर ना पहुंचे, हो सकता उनका ट्रेन, बस या तो फ्लाइट छूट सकता है। ऐसे ही है यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए। जो व्यक्ति सही समय पर तैयारी नहीं करेगा, वह उस राज से जो परमेश्वर ने हर एक के लिए विश्वासियों के लिए ठहराया, उससे वंचित हो सकता है। असल में हम दूसरा एडवेंट काल में हैं और पहला एडवेंट में चर्चा कर चुके यीशु का पहला आगमन के बारे में हमने ज़्यादा देखने का कोशिश किया। दूसरा एडवेंट में हम दूसरे आगमन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये मलाकी नामक पुस्तक जो 4 अध्याय उसका 1 से 6 पद के अनुसार होगा। और हमने बीते दिन में देखा एडवेंट 4 सप्ताह होने का बजाय ये हमने देखा कि 4000 साल यीशु का जन्म से पहले ही यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 पद में हम देखने पाते हैं यीशु मसीह आएगा, शैतान के सारे कामों को नष्ट करेगा, इसलिए 4 सप्ताह में। इसके साथ ही दूसरे ये भी कहा जाता है, इसराइल लोग 430 साल तक मिस्र के गुलाम में थे, और गुलाम में थे तब तो ये लोग छुटकारा को उम्मीद कर रहे थे, और उनके लिए छुटकारा देने के लिए मूसा आता है। मूसा यीशु मसीह का प्रतीक के रूप में माना जाता है। ये 400 साल जो था, 4 सप्ताह को स्मरण करते हुए हम मनाते हैं, ताकि छुटकारा देने वाला यीशु मसीह का आगमन होता है। तीसरा एक जो विशेष जो इसमें धारणा है, वो तो है आज का मलाकी का पुस्तक जो लिखा हुआ है, उसका कार्यकाल कहा जाता है 435 से लेकर लगभग 420 ईसा पूर्व में, और उसके बाद ये पूर्ण नियम का आखिरी पुस्तक है, आखिरी नबी भी है। उसके बाद कोई नबी लोगों से बात नहीं किया, यानी पूरे 400 साल तक परमेश्वर का संदेश लोगों तक आया ही नहीं। ये समय को अंधकार का समय, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड जो है, ये अंधकार का समय भी कहा जाता है। किसी नबी के द्वारा, दूसरे के द्वारा उनको कोई संदेश नहीं मिला। परंतु एक बात है कि उन दिनों में भी ये उम्मीद लगाए थे कोई ना कोई तो आएगा, और यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। ये अंधकार का समय को पार होकर यीशु मसीह ज्योति बनकर आता है और लोगों के बीच में जन्म लेकर आता है, जिसके बारे में हम बीते सप्ताह चर्चा किए हैं। आज के वचन में हम चर्चा करेंगे दूसरे आगमन जो यीशु का होगा। ये भयानक दिन होगा, किसी के लिए खुशी का होगा, किसी के लिए गम का होगा। इसलिए आज का वचन का शीर्षक ही कहा है यहोवा का दिन। यहोवा का दिन के बारे में चर्चा करेंगे। हम सवाल के साथ में शीर्षक को रख सकते हैं, यहोवा का दिन कैसा होगा। यानी कि लोगों के लिए सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। यहोवा का दिन, अंतिम दिन, न्याय का दिन, जो भी कहें, अन्य अन्य नाम से जाना जाता है, ये दिन सबके लिए एक जैसा न होगा। आज का वचन में जब देखते हैं, पहला पास ही देखते ही इसमें अभिमानी लोगों का चर्चा करते हैं, दुष्टों का चर्चा करते हैं। इसलिए दुष्टों के लिए भयानक दिन होगा। यहाँ दो शब्द, दुष्ट और अभिमानी है। अभिमानी का मतलब होता है हट या अक्कड़ या घमंडी। जो व्यक्ति अपने बातों पर रहता है, पछताव करना नहीं चाहता है या अधीन रहना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं बोलचाल के भाषा में अकड़ू व्यक्ति के बारे में, और ऐसे व्यक्ति। दूसरा तो है, कहता है दुष्ट, वो व्यक्ति जो हर प्रकार के बुरे काम करता है या हर प्रकार के बुराई से जुड़ा हुआ है, और ऐसे लोगों के लिए भयानक दिन होगा। और इसके लिए एक उदाहरण देता है, जब कोई खेती करता है, धान का खेती करता है, धान काटने के बाद में उसका जो खूंट बचा रहता है उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में वहाँ का नामोनिशान नहीं रहता है, वहाँ खेती क्या हुआ था लोगों को ठीक से पता नहीं चलता है। हालांकि अंदर मिट्टी के अंदर में जड़ होगा, परंतु ऊपर में दिखाई नहीं देता है। वैसे ही होगा इन दुष्टों का। परमेश्वर उन दिनों में क्या करेगा, दुष्टों को नरक में के आग में डाल देंगे, और उनका हालत वो खूंटी के समान होगा, और उनके लिए भयानक दिन होगा। और इसी बात के लिए आखिरी में यहाँ कहता है पश्चाताप करने की ओर कहता है। इसलिए हर एक को उस भयानक दिन आने से पहले, प्रभु का दिन आने से पहले तैयार कर लेना, अपने आप को तैयारी कर लेना अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं, पछताप कर लेते हैं, उनके लिए तो भलाई का समय होगा। क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर बाइबल का एक घटना को देखेंगे, निनवे नगर के बारे में। वहाँ के लोग पापी थे, परमेश्वर ने जोना को भेजता है वहाँ पर, जोना ने वहाँ जाकर प्रचार करता है, समय पर ये लोग पछताप कर लेते हैं। परमेश्वर उस समय तो नष्ट नहीं किया, कम से कम नष्ट करने से
वो शहर को ये कर दिया। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं लोग पछताव के इस कारण से बच गए थे उस समय जोना का संदेश सुनकर। वैसे समय पर यदि कोई पछताव कर ले इन दुष्टता से बच सकता है। ईश्वर नहीं चाहता है कोई भी नष्ट हो जाए। आप जानते हैं 2004 में सुनामी आया था, कई लोगों को पता नहीं चला कि सुनामी आने वाला है, हठात से आया। मैं पढ़ रहा था इंडोनेशिया देश जहाँ पर सुनामी आया था और वहाँ पहले समुद्र तट को पहुँचा था, उसके बाद में दूसरे दूसरे देशों तक पहुँचा, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी, जिसमें 230,000 लोग मर गए थे। सबसे ज़्यादा जहाँ इंडोनेशिया जिस जगह पर उसका केंद्र बिंदु था वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मरे, लगभग 1,67,000 इतना करीब लोग मारे गए। मैं एक व्यक्ति जो इसमें जिंदा बचा था उसके अपने जीवन के बारे में बता रहा है। उनके घर समुद्र के किनारे होने के नाते उनको सबसे पहले पता चल गया था कि सुनामी आ रहा है। जैसे पता चला सुबह सुबह का समय था, अपने घर में अपने पत्नी और दो बच्चे, एक 2 साल का एक 8 साल का था, उनको कहा कि सुनामी आ रहा है, हमें बचना है, यहाँ से चलो भागो। जैसे उन्होंने कहा उनका बड़ा बेटा जो 8 साल का था वो ऊपर की ओर घर से निकल कर दौड़ना शुरू कर दिया और अपना पत्नी और 2 साल का बच्चा को पकड़ के जाने ही वाला था कि अचानक से सुनामी पहुंच गया और तीनों को समुद्र का पानी ने, लहर ने उनको बहाकर एक दूसरे से अलग कर दिया। यह व्यक्ति जो बिन हसीमन नाम का व्यक्ति था, 38 साल का उम्र, उन्होंने कहा था कि उसको ठेल ठाल के एक के दीवार तक पहुंचा दिया और दीवार को कस कर पकड़ लिया। हालांकि घायल हो गया लेकिन कस कर पकड़ा, इसलिए लहर अंदर फिर समुद्र में उसको खींच के नहीं लिया और उसका पत्नी बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। जब लहर वापस चला गया जब देखने का कोशिश किया, उनका घर का नामो निशान नहीं रहा, उनके पत्नी बच्चे कहाँ गए उनको पता नहीं था। फिर किसी तरह अपने जीवन को बचा लिया लेकिन जब लहर काम हो गया, उनके परिवार का खोजबीन किया, उसका 2 साल का बच्चा जो है समुद्र किनारे मारा हुआ पाया गया, उनकी पत्नी जो थी उनको 1 किलोमीटर वहाँ से जहाँ था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक बहा के ले गया था, वो मृत पाई गई। उनका बड़ा बेटा एक था जो 8 साल का था, वो दौड़ के किसी तरह ऊँची जगह पहुँच चुका था इसलिए वो बच गया। ऐसा ही होगा प्रभु का दिन अचानक से आएगा, संभालने का लोगों को मौका नहीं होगा। मत्ती 24 उसका 36 में कहा था, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते हैं ना कोई दूसरा भविष्यवक्ता जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, ऐसे दुष्टता और ऐसे हट्ठी होकर नहीं रहना चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान हो, परंतु हमें पछताव कर लेना चाहिए। दूसरी विशेष बात जो आगे कहता है, धर्मियों के लिए आनंद का दिन होगा, यानी प्रभु में जो जुड़े रहेंगे उनके लिए आनंद का समय होगा। और आनंद का कैसा समय होगा वो यहाँ उदाहरण देकर बताता है। जैसे सूरज का रोशनी निकलता है, एक छोटा सा गाय का बच्चा जो होता है सूरज का रोशनी पाकर तरोताजा महसूस करता है, वो उछलने डेगने कूदने ये लगता है, वो खुशी से आनंद से। छोटे बच्चों का स्वभाव ऐसा, मनुष्य चाहे पशु हो, देखिए वो लोगों के पास टेंशन नहीं रहता हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ऐसे टेंशन नहीं रहता है, ना ही उनके पास में कोई घर भाड़ा देने का, ना ही लोन का, ना ही और चीज का कोई टेंशन रहता है, इसलिए ये लोग खुशहाल रहते हैं। वैसा ही ये नचते डेकते जैसे छोटा बछड़ा जो करता है वैसा ही समय होगा। यीशु सूरज के साथ में तुलना किया गया, जैसे सूरज किरण उदय होने के साथ बच्चों को सूरज की रोशनी में दिखाया जाता है ताकि उनके द्वारा से जो विटामिन डी उनको प्राप्त होता है और उनको कम से कम शरीर स्वस्थ रहता है। जो भी हो, यीशु का सूरज का उदय होगा और उस समय ये सूरज नहीं रहेगा, यीशु का शरीर में से जो रोशनी होगा उसी के शरण में जो लोग रहेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे, उस दायरे में ना तो भूख होगा प्यास होगा ना बीमार होगा, ना ही वहाँ किसी का आँखों से आंसू बहेगा, तकलीफ नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, ऐसा समय होगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो धर्मी है प्रभु से जुड़े रहते हैं उनके लिए तो आनंद खुशी का समय होगा कहता है, उछल कूद करने का समय होगा। आप लोग बीते दिन में देखे होंगे जब कोरोना वायरस आया था, COVID-19 आया था, वहाँ से बचने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, सैनिटाइज़र। और सैनिटाइज़र के कारण से कई लोग अपने शरीर को न केवल सैनिटाइज करते थे, अपने गाड़ियों को, जिस रूम में काम करते जिस रूम में रहते थे उन रूम को सैनिटाइज किया जाता था। चीन के बारे में मैंने देखा पढ़ा
कि वहाँ के लोग जो काम करते थे उनको सैनिटाइज करके मशीन सब बनाया गया, आके खड़ा हो जाना है, ऑटोमेटिक मशीन चलेगा, वो व्यक्ति सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद गाड़ी भी यदि वहाँ से गुजरेगा वहाँ खड़ा हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। मैं जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से रहता हूँ, उस टाउन के बारे में मैंने देखा कि वहाँ सरकार ने पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए कई गाड़ी का व्यवस्था किया, रोड रोड सैनिटाइज करते गया, दोनों तरफ का जितने भी दुकान था सब दुकानों को सैनिटाइज करते गया। इसके द्वारा से क्या कि वो बीमार चला जाए, लोग सुरक्षित रहें। लेकिन तब बीमार तो हो सकता है, थोड़े समय के लिए गया और नए नए बीमारी तो आते ही जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं। लेकिन यीशु का रोशनी के आलोक में जो रहेंगे हर चीज़ से सैनिटाइज हो जाएंगे, यानी कि हर चीज़ से छुटकारा प्राप्त कर जाएंगे, हर चीज़ से सुरक्षित रहेंगे, किसी प्रकार का चीज़ उनको परेशानी में नहीं डाल सकता है, सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए उसके शरण में जो रहते हैं, उसके साथ जुड़े जो रहते हैं, उनके लिए भलाई का समय, आनंद का, खुशी का समय होगा। इसलिए हमें पछताव कर लेना चाहिए, ना केवल हम खुशहाल रहेंगे, स्वर्ग में भी खुशहाल होता है। लुका उसका आप देखिएगा 15 अध्याय उसका 7 पद में कहता है, एक पापी भी पछताव करता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, ऐसा कहता है। तीसरा पॉइंट जो कहता है, प्रभु के दिन के लिए तैयारी के बारे में चर्चा करता है। प्रभु का दिन के लिए तैयारी कैसे करें, उस दो बातों को यहाँ दर्शाता है। पहली बात क्या कहता है, व्यवस्था को क्या करना है, स्मरण रखना है कहता है। व्यवस्था कहने से उस पुरानी व्यवस्था को पूर्ण रूप से हम स्मरण नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो इसराइलियों को पुराना व्यवस्था जो बीते सप्ताह हमने चर्चा किया है, न केवल 10 आज्ञा दिया और ज़्यादा दिया था, बाद में इन्होंने लिस्ट बना दिया था, 613 ऐसा व्यवस्था या नियम दिया गया था, जिनको स्मरण करना सबको मनुष्य के लिए संभव नहीं है। नए नियम काल में आते हैं, यीशु मसीह की नई व्यवस्था दिया गया है, और ये अनुग्रह का व्यवस्था है, ये प्रेम का व्यवस्था है, और इसका सबसे प्रमुख जो आज्ञा है, नियम है, वो दो नियम है। मत्ती 22 उसका 37 से 39 में हम पाते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने सारे मन प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना, ये सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा। दूसरा क्या कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये व्यवस्था का सबसे बड़ी, जो नई व्यवस्था का है, सबसे बड़ी आज्ञा है, उसे हमें पालन करना है। और इसे स्मरण करने का दो अर्थ निकलता है, स्मरण करने का मतलब सिर्फ मन में याद रखना वो नहीं कहता है, दूसरा उसका एक अर्थ है उसको व्यवहारिक जीवन में लागू करना है, हमारे दिन प्रतिदिन का बातचीत व्यवहार में हमें उसको अप्लाई करना है, लागू करना है। इसलिए व्यवस्था को स्मरण रखने का मतलब मन में याद रखना है, साथ ही उसको व्यवहारिक जीवन में लागू करना है। दूसरा विशेष बात जो तैयारी के लिए कहता है, वो पश्चाताप के बारे में कहता है। पश्चाताप माने जो काम कर रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, गलत हो रहा है, तो वहाँ से लौट जाना है। पश्चाताप का मतलब ही है टर्निंग बैक है, यानी पीछे लौट जाना है, जिस गलत दिशा में उस दिशा में आगे ना बढ़कर हम लौट जाएँ। और हमने उसका एक उदाहरण निन्वे का भी दे चुके हैं, और समय रहते हुए करना है। यीशु प्रभु का दिन आ जाएंगे, उसके बाद में पछताव करने का मौका नहीं होगा, अब समय है आपके मेरे लिए, इसलिए अभी ये हम इस पर ध्यान देकर पछताव कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने जापान पर 2 बम एटम बम गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी। जब वहाँ गिराने से पहले उन्होंने कई चेतावनी देने का कोशिश किया, वहाँ ने पंपलेट गिरा दिया फ्लाइट से दोनों शहर में, कि सरकार को कहा मेरे ऊपर, मेरे देश के ऊपर में जापान ने बिना कारण से, यानी कि अमेरिका उस समय तक युद्ध में भाग ही नहीं लिया था, किसी को कुछ नहीं किया था, लेकिन जापान ने उस पर आक्रमण कर दिया था, पर हल्बर नमक जगह पर उन्होंने ना केवल आक्रमण किया, उनका 300 फ्लाइट को तबाह कर दिया, 2400 से ज़्यादा लोगों को मार डाला, कई सारे चीज़ किया, इस कारण से उन्होंने उसका बदला लिया। लेकिन बदला लेने से पहले उन्होंने कहा आप अपने आप को सरेंडर कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना उनके बातों को, उन्होंने प्रेस रिलीज भी कर दिया, संदेश भी भेज दिया, फिर भी उन्होंने नहीं माना, उसके बाद 2 बमों को गिराता है, जिसके कारण से लाखों की संख्या में उसके बदले मर जाते हैं। समय रहते यदि वो उनसे साथ मेल मिलाप कर लेते, समय रहते उनके एग्रीमेंट में आ जाते, तो हो सकता है ये नाश होने से बच जाता। वैसा ही है प्रभु का दिन आने से पहले, जो विनाश का दिन, भयानक दिन होगा,
तो उससे पहले अपने आप को हम क्या करें, पश्चाताप कर लें, प्रभु के समीप आएँ, प्रभु के साथ में जुड़ जाएं, ताकि हम विनाश से बच जाएं और प्रभु का दिन हमारे लिए आनंद का दिन होगा, ना ही दुष्टों के समान भयानक दिन हो, वो क्योंकि सबों के लिए वो अच्छा दिन हो, यही प्रभु चाहता है और यही हो आपके और सबके साथ। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे, जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कम जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को भी दबा दीजिए, धन्यवाद।